आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। फतेहपुर जिले से थाना कल्याणपुर पुलिस के संयुक्त टीम से प्रमुख निरीक्षक नीरज कुमार यादव, वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल सुमेश यादव, कांस्टेबल अनीश दीक्षित, कांस्टेबल देवेंद्र पुनिया द्वारा जहर खुरानी कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले सुशील कुमार अग्रिहरी थाना सैनी जनपद कौशाम्बी अस्थायी पता 5A514 आवास विकास हंसपुरम थाना नौबस्ता जनपद कानपुर नगर व महेश द्विवेदी उर्फ धीरू पुत्र भानु प्रकाश द्विवेदी उम्र करीब 34 वर्ष निवासी 21A गोपाल नगर थाना विधनू जनपद कानपुर नगर को गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुहर तिराहा से एक वाहन टाटा इंडिगो कार नंबर UP78CN655504 देशी बम, एक देशी तमचा, 32 बोर में एक जिंदा कारतूस, 10,000 रुपए व कपड़े, 2 एंड्रॉइड मोबाइल व एक स्टील वॉलेट केस जिसमें एक डेबिट कार्ड, 3 आधार कार्ड, 4 सिम कार्ड व एक चैन पीली धातु आदि के साथ उक्त दोनों को आज सोमवार समय करीब 9:30 बजे गिरफ्तार करते हुए गैंग का पर्दाफाश किया। कल्याणपुर पुलिस ने बताया कि रात्रि के समय रास्ते पर खड़े राहगीरों को विश्वास में लेकर अपनी गाड़ी में बैठाकर उनके गंतव्य तक पहुंचने के बहाने चाय आदि में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करके उनका सामान, पैसे आदि चुरा कर गाड़ी में बैठे बेहोश व्यक्तियों को सुनसान रास्ते में फेंककर भाग जाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुहर तिराहा से एक टाटा इंडिगो कार, देशी बम, तमचा, कारतूस, 10,000 रुपए व कपड़े, एंड्रॉइड मोबाइल व स्टील वॉलेट, कैश, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, सिम कार्ड, चैन पीली धातु आदि के साथ 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुआवजा संख्या 63/2023 धारा 411, 413 IPC व 325 आयुष अधिनियम व 45 विस्फोट पदार्थ अधिनियम पंजीकृत किया गया है। हुई जहर खुरानी की घटना में संबंध में थाना स्थानीय पर मुआवजा संख्या 62/2023 धारा 328 379 पंजीकृत है। कार्यवाही के बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय फतेहपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया, जिसमें अभियुक्त सुशील कुमार अग्रहरी थाना सैनी जनपद कौशाम्बी को पुलिस द्वारा हत्या के मामले में तथा जनपद मथुरा से जहर खुरानी की घटना के मामले में गिरफ्तार होकर पूर्व में भी जेल भेजा जा चुका है। आपको बता दें 25 फरवरी को अष्टराजपुत्र पतिया ग्राम बनरसी थाना ललौली फतेहपुर अपनी पुत्री सुहानी के साथ आगरा से कानपुर समय करीब 2 बजे रात्रि में कानपुर बस अड्डे पर पहुंचे, तभी वहीं पर अभियुक्त महेश द्विवेदी ने वादी मुकदमा से पूछा कि आपको कहां जाना है, तो वादी ने बताया कि मुझे बनरसी थाना ललौली जाना है। इस पर अभियुक्त गणों ने बताया कि हम लोग चित्रकूट जा रहे हैं और बहुआ में आप लोगों को छोड़ देंगे। इस तरह पिता और पुत्री दोनों अभियुक्त सुशील कुमार की कार टाटा इंडिगो कार में बैठ गए, जिन्हें बीच रास्ते में आकर अभियुक्त गणों ने पिता और पुत्री को चाय पिलाने के बहाने से उसी में नशीला पदार्थ डालकर पिला दिया और जब बेहोश हो गए तो दोनों को बारी बारी से कल्याणपुर थाना क्षेत्र व मलवा थाना क्षेत्र में छोड़कर उनके रुपए व कपड़े चोरी करके फरार हो गए, जिन्हें पुलिस ने संयुक्त टीम के साथ गिरफ्तार करते हुए जहर खुरानी गिरोह का पर्दाफाश किया और गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा। एसके लाइव न्यूज से राय बहादुर निषाद की रिपोर्ट। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।